हमारे नॉलेज गुरु हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि सांसदों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता? और तो और वो कितनी आलीशान जिंदगी जीते हैं। भाइयों, मेरी YouTube पर नई चैनल है, भूल हो जाए तो माफ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे वोट देकर संसद तक भेजते हैं, वोट लेने आते हैं तब तो बड़े बड़े वादे करते हैं, आपका वो कर दूंगा, आपका यह कर दूंगा, फलाना फलाना। लेकिन वो चुनकर कैसी जिंदगी जीता है वो आपको मालूम नहीं होगा। एक सांसद की जिंदगी बहुत ही मजेदार होती है। बात करें सांसद को मिलने वाली सुविधा और वेतन की, तो सांसद को मिलने वाले वेतन और भत्ते का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। चाहे आप पुलिस में नौकरी करते हो या शिक्षक की नौकरी करते हो या कोई व्यापारी हो, आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन हमारे नेताओं के लिए नियम कुछ अलग ही है। सांसद को मिलने वाले वेतन और भत्ते का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। हमारे देश के सांसदों को देश के औसत आय से 68 गुना ज्यादा वेतन मिलता है। हर सांसद को 50,000 रुपये महीने का वेतन मिलता है। यह तो वेतन की बात है, सांसद को और पैसे भत्ते के रूप में मिलता है, जैसे कि 45,000 कार्यालय खर्च के लिए मिलते हैं, 45,000 संसदीय क्षेत्र के खर्च करने के लिए मिलते हैं, संसद सत्र में हाजिर रहने के लिए 2,000 रुपये रोजाना मिलता है। जाने हम पर एहसान कर रहे हो। एक सांसद को सड़क पर चलने के लिए 1 किलोमीटर का 16 रुपये मिलता है। ये आप उनके वाहन का डीजल का खर्च मान लो या कुछ और। कंप्यूटर के लिए 2 लाख रुपये सरकारी खजाने से मिलते हैं। कोई वाहन खरीदने के लिए उनको 4 लाख तक के लोन पर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो सरकारी खजाने से दिया जाता है। दिल्ली में आलीशान इलाकों में जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां पर फ्लैट या बंगलो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। और तो और घर में फर्नीचर खरीदने के लिए 75,000 रुपये मिलते हैं। हर तीसरे महीने घर में पर्दे और सोफे को धोने का खर्च सरकार देती है। घर में 3 टेलीफोन दिए जाते हैं, जिसमें हर टेलीफोन में 50,000 कॉल फ्री होते हैं। सांसद व सांसद की साथी के साथ या किसी दूसरे के साथ सालाना 34 हवाई यात्रा करना मुक्त है। रेलवे में फर्स्ट क्लास AC टिकट मुक्त है। हर साल 50,000 यूनिट बिजली, 40 लाख लीटर पानी, यह सब सांसद को सालाना फ्री में मिलता है। सांसद और उनके आश्रितों के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज मुक्त होता है, और निजी अस्पतालों में इलाज पर भी वास्तविक खर्च का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। रिटायर होने के बाद साल 2010 में हुए संशोधन के अनुसार संसद से रिटायर होने के बाद सदस्यों को 20,000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलती है। और खास बात यह है कि पेंशन हर सदस्य को मिलती है, चाहे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं। फैमिली पेंशन, किसी भी पूर्व सांसद के निधन के बाद उनके पति या पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा दिया जाता है। यात्रा भत्ता, पूर्व सांसद भारतीय रेल के AC 1 कोच में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। साथ ही अगर वो किसी के साथ हैं तो वो एक शख्स के साथ AC 2 में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के सांसदों को स्टीमर में फ्री यात्रा का मौका मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सांसदों को रिटायर होने के बाद भी बरकरार रहती है। उन्हें केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम का फायदा मिलता है, जो उन्हें सांसद रहते वक्त मिलता था। इतनी सारी सुविधाएं एक आर्मी ऑफिसर जो शहीद हो जाने पर शहीद परिवार को नहीं मिलती, इतनी इन लोग नेता लोगों को मिलती है। यह वह नेता लोग हैं जो समाज सेवा के काम करने का दावा करते हैं। भाई मलाई तो हम ही खाएंगे, ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि यह सब नियम बनाना और नहीं बनाना उनके हाथ में है। यह जानकारी नीचे दिए गए लिंक से ली गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी नॉलेज वाली वीडियो और फैक्ट्स वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।